हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय अकेडमी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आज हम 13 नवंबर 2019 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विथ राय अकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया था। क्वेश्चन था, हेल्थ ATM की शुरुआत कहाँ पर हुई है? इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, लखनऊ। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हेल्थ ATM की शुरुआत की गई है। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला CNG टर्मिनल कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, गुजरात। गुजरात सरकार ने भावनगर बंदरगाह पर विश्व का पहला CNG टर्मिनल बनाने की मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन स्थित फोरसाइट ग्रुप और मुंबई का पद्मनाभ मफताल ग्रुप का संयुक्त उपक्रम इस परियोजना में 1,900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस परियोजना के लिए साल की शुरुआत में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान गुजरात मैरिटाइम बोर्ड और लंदन स्थित फोरसाइट ग्रुप के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब यह टर्मिनल खोला जाएगा गुजरात में, तो गुजरात के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए, ये है भारत का मैप और इसमें गुजरात, ये है गुजरात। गुजरात की सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप राज्यों से लगती है। यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के बारे में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। गुजरात जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 78.03%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 85.75% और महिला साक्षरता दर है 69.68%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 12 नवंबर। लोक सेवा प्रसारण दिवस हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 1947 में इस दिन आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रथम और अंतिम आगमन की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उस दिन राष्ट्रपिता ने विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रखे गए विस्थापित लोगों को आकाशवाणी से संबोधित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, के करंता। सेंटर फॉर वर्ल्ड लाइफ स्टडीज बेंगलुरु के निदेशक और वन्य जीव वैज्ञानिक के उल्लास करंता को वन्य जीव संरक्षण विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जॉर्ज स्कॉलर लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वह डॉक्टर जॉर्ज स्कॉलर सम्मान पाने वाले वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी न्यूयॉर्क द्वारा स्थापित पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं, जिन्हें विश्व के महानतम वन्यजीव वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों में से एक माना जाता है। के उल्लास करंता को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार जो इन्हें 2012 में दिया गया था, कर्नाटक सरकार का राज्योत्सव पुरस्कार जो 2010 में दिया गया था। जॉर्ज स्कॉलर लाइफटाइम अवार्ड वन्य जीवों के संरक्षण और वन्य जीव क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए इसके सदस्यों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है। वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी की स्थापना 26
अप्रैल 1895 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी के नाम पर मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर। गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने रिसर्च स्कॉलर ध्रुव स्कॉलर ध्रुव प्रजापति ने केरल, तमिलनाडु और गुजरात में पाए जाने वाले दो नई मकड़ी प्रजातियों की खोज की है, जिसमें एक मकड़ी की प्रजाति का नाम भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर मारेंगो सचिन तेंदुलकर रखा है, जबकि दूसरी प्रजाति का नाम संत कुरियाकोस इलियास चावरा के नाम पर इंडो मारेंगो चावरा पाटर रखा गया है, जिन्होंने केरल राज्य में शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 12 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस सलीम अली के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। सलीम अली ने पक्षियों से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी थीं। उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक बर्ड्स ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चीन किस वर्ष तक स्पेस रिसर्च के लिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच इकोनॉमिक जोन बनाएगा? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 2050। चीन के एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन वर्ष 2050 तक स्पेस रिसर्च के लिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच इकोनॉमिक जोन बनाएगा। हाल के वर्षों में चीन तेजी से अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास कर रहा है। यहाँ पर चीन देश की बात हो रही है, तो चीन के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें चाइना, ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है यहाँ की रिमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन चैंपियनशिप में, यहाँ पर में होगा, भारत के 17 वर्षीय शूटर सौरभ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। सौरभ चौधरी ने दोहा कतर की 14वीं एशियाई चैंपियनशिप में भारत की बढ़त को बनाए रखते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। विश्व कप और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता ने 244.5 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि उत्तर कोरिया के सोंग गुक किम ने 246.5 अंकों के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ईरान के फोरफी जावेद ने कांस्य पदक जीता है। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक ने 10 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने का गौरव हासिल किया है? इसका राइट आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो कि 10 वर्ष 9 महीने और 3 दिन के हैं, उन्हें शतरंज के सबसे विश्व के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने का गौरव हासिल हुआ है। उनसे पहले यह रिकॉर्ड ग्रैंड मास्टर प्रगानंदा के नाम था, जिन्होंने 10 वर्ष 9 महीने और 20 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। अब आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर। ये आज के यानी कि 13 नवंबर 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।